Dear student, today we will study kinetic theory of gases. This theory was given by Maxwell, Boltzmann and Bernoulli. This theory was given to generalize the behavior of ideal gases. आइडियल गैसेस के बिहेवियर को जनरलाइज करने के लिए यह थ्योरी दी गई थी. तीन साइंटिस्ट ने दिया था, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड बर्नौली. एक एक करके इसके पास्टुलेट्स हम लोग स्टडी करेंगे. पास्टुलेट वन, देखिए, जैसे ऑक्सीजन गैस है, O2 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम एटम से मिलके बना हुआ है. तो गैस का जो कंपोजिशन, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है. गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है. तो यहां मैं लिख रहा हूं, गैसेज आर मेड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल as compared to total volume of gas. गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल या एक एटम का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल. ये पहला पास्टुलेट साइंटिस्ट ने दिए थे, आप नोट कीजिएगा. पहले ये थ्योरी एग्जाम में लिखने को आती है. इसके 6 पास्टुलेट्स हैं. पास्टुलेट 2, ये पास्टुलेट कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स है चाहे एटम है, अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं रहेंगे, दे विल बी मूविंग. देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर ऑलवेज इन रैपिड रैंडम मोशन. कोलाइडिंग विद ईच अदर. एंड विद द वॉर ऑफ कंटेनर.
गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं, और इस मूवमेंट में मॉलिक्यूल कभी आपस में टकरा जाएंगे, कभी जो है वेसल है जो बर्तन है उसकी दीवार से टकरा जाएंगे। ये सेकंड पास्टुलेट साइंटिस्ट ने दिया था, आप लोग नोट कीजिए। तीसरा पॉस्टुलेट था कोलिजन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम होगा, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इन सच कोलिजन्स। कोलिजन एवं गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इन सच कोलिजन्स। नोट कीजिएगा, यहां पे बताने की कोशिश किया है कि अगर गैस मॉलिक्यूल आइडियल है, गैस आइडियल है, अभी हम आगे बताएंगे आइडियल का मतलब क्या होता है। अगर गैस आइडियल है तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा, और इस कोलिजन में ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और ना ही मोमेंटम का लॉस होता है। पॉस्टुलेट फोर, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपेल करते हैं। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपेल करते हैं। पॉस्टुलेट फाइव देखिएगा, क्योंकि जैसे बैलून में मान लीजिए आपने हवा भर दिया तो बैलून फूल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि जो हवा आपने भरा है बैलून की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालता है। अब हम यहां बताने जा रहे हैं आपको कि प्रेशर कैसे आता है। गैस का जो मॉलिक्यूल है
जब दीवार से टकराएगा तो दीवार से टकराएगा तो दीवार के ऊपर फोर्स डालेगा और यही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। तो गैस का मॉलिक्यूल दीवार पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से बैलून एक्सपेंड कर जाता है। कोई भी गैस किसी भी वेसल में अगर भरी जाएगी तो उसके दीवार पर प्रेशर डालेगा और प्रेशर डालने का तरीका क्या है, दीवार से मॉलिक्यूल टकराते हैं और टकराने से फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है वही प्रेशर है। तो अब यहां अगला पास यूनिट में लिखेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल का कंटेनर की दीवार से टकराने से प्रेशर एग्जीक्यूट होता है और अब यहां नीचे लिखेंगे, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की दीवार पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितने ज्यादा कोलिजन होंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। नोट कीजिएगा, अभी एक पॉस्टुलेट और देखना हम लोगों को, पॉस्टुलेट सिक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। It is independent of nature of gas and its molecular mass. इन सब पर डिपेंड नहीं करता। आप ऐसे दिखा सकते हैं, kinetic energy is directly proportional to temperature. आप ये समझो, एट
सेम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड सो ऑन। गैस क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये पासवर्ड 6 था और 6 पॉइंट दिए गए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मैंने आपको एक एक करके बताए। एग्जाम में थ्योरी लिखने को आती है लॉन्ग क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। On the basis of kinetic theory, following equation was derived called kinetic gas equation. इसका derivation हम लोग के syllabus में नहीं है, higher classes में पढ़ाया जाता है। क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू 1/3 mnV स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कैपिटल V यहां पर वॉल्यूम है और स्मॉल V यहां पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है। बाकी m तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास और n है नंबर ऑफ मोल्स। देखिए अब हम देखते हैं आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है। आइडियल गैस बोलिए, परफेक्ट गैस बोलिए, परमानेंट गैस बोलिए, सिग्निफिकेंस एक ही है। पहली बात तो हमें यह समझना है कि आइडियल गैस अगर है तो किसी भी कंडीशन में वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। आइडियल गैसेस आर परमानेंट गैसेस। आइडियल गैसेस आर परमानेंट गैसेस means they can never be liquefied
whatever the condition is applied. चाहे कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, अगर गैस आइडियल है तो वो लिक्विफाई नहीं होगा। क्यों लिक्विफाई नहीं होगा? मैंने अभी पीछे थ्योरी में बताया कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपेल करते हैं, और जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे तो लिक्विफाई नहीं होगा। It is because ideal gas molecules neither attract nor repel each other. एक दूसरे को ना तो attract करेंगे ना repel करेंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, कोहेशन होना चाहिए, तभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। नोट कीजिए, दूसरी बात यह है आइडियल गैसेस ओबे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, 6 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं, आइडियल गैस उन सारे पासुलेट्स को ओबे करेगा। अगली चीज आप देखिए, आइडियल गैसेस ओबे बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। आइडियल गैसेस बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ओबे करेंगे, मतलब बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ओबे करेंगे। तो देखें, ये जो बॉयल्स लॉ का रिलेशन है,
इसको इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, मींस पीवी इज कांस्टेंट इन दीज कंडीशंस। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आता है तो वो गैस क्या होगा आइडियल। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं आया देन द गैस विल बी रियल। देखिए इस तरह से अगर ग्राफ आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो वे गैसेस क्या होंगी रियल गैसेस। ध्यान से ग्राफ बनाइएगा। अब सवाल यह उठता है देखिए दो क्वेश्चन पे आप चलेंगे हम। पहला है व्हाई रियल गैसेस डू नॉट बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। क्या वजह है कि रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव नहीं करती। दूसरा अंडर व्हाट कंडीशंस रियल गैसेस विल बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। देखिए ये जो इक्वेशन है ये कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। देन व्हाट विल बी रियल गैस इक्वेशन। अब ये तीन क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को पता करना है और यही खत्म करते करते यही तीनों क्वेश्चन का आंसर जब आपको पता चल जाएगा देन आपका जो गैसेस स्टेट का सिलेबस है वो ओवर हो जाएगा। तो एक दो वीडियो सेशन की और बात है, इसको रिवाइज कीजिएगा आप लोग। अगले वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या वजह है कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव नहीं करता और क्या कंडीशन लगा दें कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करे और आइडियल गैस को रियल पे अप्लाई करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी इसी में आगे आएगा वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट हाँ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। न्यूमेरिकल के टॉपिक हम पीछे आपको कवर कर चुके हैं तो इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एंजॉय, हैव ए गुड डे एंड गुड लक।